दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। कटनी जिले के संसारपुर में आदिवासी जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। ना तो सरपंच सचिव द्वारा कोई ध्यान दिया गया और ना ही शासन प्रशासन के द्वारा। संसारपुर के वडिया मोहल्ला में आदिवासी जनता लगभग 200 घर के लोग निवास करते हैं। उन्हें पानी के लिए कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। हैडपंप है लेकिन बंद पड़े हुए हैं। 4 माह बीत चुके हैं लेकिन शुद्ध जल आज तक नहीं मिल पाया है। वार जनता ने मन बना लिया है कि यदि पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी दो वोट दो। मोहल्ले में 2 हैंडपंप है लेकिन दोनों बंद पड़े हुए हैं। 4 माह बीत चुके हैं। पीएचई से भी शिकायत की गई लेकिन इंजीनियर के द्वारा यह कह दिया जाता है कि आ रहे हैं लेकिन काम चालू नहीं हुआ है, ना ही कोई भी देखने आता है। कितने दिन से मजदूर जिसके मकान भी आ जाते हैं उनका मकान भी नहीं देता है। हमारा मकान जाके देख लीजिए, हम टूटे फूटे मकान में रहते हैं, हमारा मकान नहीं दे रहा। पैसा सबसे घूस मांगता है, पैसा मांगता है। कितना पैसा मांग रहा है? 20,000 मांगता है। जिसके पास नहीं है तो क्या दे बताइए, आज के खाने के लिए नहीं है उसको हम 20,000 कहाँ पालेंगे तो देंगे। ये कौन सचिव मांगता है? ये मांग रहे हैं सचिव चंद्रमान और एक तीरथ, तीरथ पयासी, तीरथ मिश्रा। हाँ मिश्रा। इसीलिए इस गांव से निरस्त किया जाए इन सचिवों को और गांव को आगे बढ़ाया जाए जब तक हमारी पानी की समस्या हल न होगी। हम किसी को वोट न देंगे, इसलिए हमारी प्रार्थना है विधायकों से, मुख्यमंत्री से, जितने भी आदर्श नाग वो हैं तो हमारी समस्या हल करें, हमारी पानी की समस्या हल करें, हमारी जितनी भी समस्या हैं वो हल करें। हमारी वंश का संसारपुर की रहने वाली, इधर पानी की बहुत तकलीफ है। 3 महीने से हो गए, 3 किलोमीटर जाते हैं पानी के लिए, बहुत परेशानी है पानी के लिए। जी अभी आपने सरपंच सचिव से कोई सबसे बताए हैं, कहीं कोई निराकरण नहीं सुनता। जब तक ये काम ना होगा तो कोई वोट नहीं देगा। नहीं यादव, ग्राम संसारपुर का रहने वाला हूँ, नागरिक हूँ। यहाँ परेशानी समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं है जी, ना सचो ना सरपंच। आज 3 माह से पानी की तकलीफ है आदिवासी मोहल्ले में, जो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जब चुनाव आता है वोटों के लिए गिरते हैं, मरते हैं, और समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।